10 दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दाम में 80-80 पैसे की हुई बढ़ोतरी। बीते 10 दिन में 6.40 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं दाम। सरगुजा के अंबिकापुर में ग्रामीणों की अनूठी पहल। श्रमदान कर खुद ही बना डाली सड़क। रास्ता न होने से काफी परेशान थी ग्रामीण। मनावर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। 2 दिन पहले ही वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। ग्रामीणों ने मादा तेंदुआ और 2 बच्चों की दी थी वन विभाग को जानकारी। पृथ्वीपुर में अतिथि शिक्षक संघ ने नियमितीकरण मांग को लेकर निकाली न्याय यात्रा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लगाए नारे। कहा, हजारों अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं। और शुजालपुर में कोविड में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मी को हटाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी किया आदेश, बजट का हवाला देकर हटाया। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि इससे बीते दिन भी 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं अब तक 10 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम 6.40 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही दिवाली के मौके पर सरकार की तरफ से नवंबर में मिलने वाली पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का लाभ भी अब खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट का पर्यटन क्षेत्र में सरकार काफी खर्च कर रही है, लेकिन इसी मैनपाट की दूसरी तस्वीर भी है। जी हां, गांव घागी कोना के ग्रामीणवासी कई सालों से प्रशासन को आवेदन और निवेदन दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही या कहें अनसुनी की जा रही है, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों ने श्रमदान कर खुद ही सड़क बना डाली। बता दें, सड़क ना होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना सालों से करना पड़ रहा है। मेरा नाम अनिल का है। गांव परपटिया पंचायत चुटैया मोहल्ला। एमे हमला समस्या बहुत है, ताकि 7 किलोमीटर से दूरी में हमन रोड से दूर में हन, तो रोड हमन अपन से पूरा पब्लिक मिल के जो बना था रोड ला, तो बन नहीं पा रहा थे कम से कम हम। मेरा नाम है गुलाब, पंचायत परपटिया मोहल्ला चिटुया। हम लोग को परेशानी है कि रोड के लिए बहुत परेशानी है। आज 3 साल से हम लोग रोड बना रहे हैं और रोड नहीं बन पा रहा है। भाई, पब्लिक का कितना जोर, पैसा भी नहीं है हम लोग के पास और शासन भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। शासन के भी कई बार आवेदन दिए, वो भी। पारस यादव, परपटिया पंचायत के रहने वाले, पारा चुटुया। हम लोग की ही समस्या है कि रोड के लिए हम लोग बहुत दिन से लगे हैं, लेकिन रोड बन नहीं रहा है। कम से कम 3 साल हो गया हम लोग इसमें मेहनत करते हैं, 150-100 आदमी जुट के, लेकिन बरसात के दिन में पानी आता है तो फिर उसको खो के ले जाते हैं, नाला का नाला ही हो जाता है। इसीलिए हम लोग 3 साल तक हो गया इसमें लगे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब। मैनपाट क्षेत्र में विगत वर्षों में बहुत ही ज़्यादा सड़कों की स्वीकृति हुई है, बहुत सारे सड़क निर्माणाधीन भी हैं और अभी भी कुछ ऐसे सड़क बचे हुए हैं, और ये जो आप बता रहे हैं इसका बड़ा पैच है। इसे सड़क बने बचे हुए हैं, इनको भी प्राकलन बना करके उसको भी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी स्वीकृति जैसे होगी इसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन इसमें मिट्टी सड़क जो है वो हम स्थायी हल नहीं है, वो बीटी होगा वही स्थायी हल है, और इसके लिए प्रस्ताव बना करके प्रेषित किया गया है। शीघ्र ही स्वीकृति भी होगी, क्योंकि बहुत सारे सड़क उस क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं, अभी भी बन रहे हैं और कुछ टेंडर में लगे हुए हैं, तो ये भी सड़क भी जल्दी स्वीकृत होगा और उसका निर्माण प्रारंभ होगा। मनावर में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है। वन रक्षक धन सिंह मुवेल ने बताया कि 2 दिन पहले ही ग्राम खंडालाई में पिंजरा लगाया गया था, जिसमें तेंदुआ कैद हो गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मादा तेंदुआ और 2 बच्चों की गांव में घूमने की सूचना दी थी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता वाहिद मंसूरी, हम उनसे चर्चा करेंगे। वाहिद, जिस तरह से 2 दिन पहले ही पिंजरे को लगाया गया था, तेंदुआ आ चुका है, क्या किसी दुर्घटना के आसार नजर आए थे या इससे पहले कोई दुर्घटना हो चुकी थी? मैं बताना चाहूंगा कि मनावर तहसील के ग्रामीण इलाकों में एक तेंदुआ परिवार
घूमता हुआ दिखाया था। ये करीब 10 से 12 दिन पहले से ये परिवार जंगल में घूम रहा है और ग्रामीणों में कई जानवरों पर हमला भी कर चुका है, जिसके कारण क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी है उनमें भय का एक माहौल बना हुआ है। क्योंकि जैसे भी वो जंगल में बकरा बकरिया कुछ चराने जाते हैं, कुछ जगह पे इसने हमला किया था। वन विभाग ने, ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, वन विभाग ने अपने रेस्क्यू टीम भेजी भी। वो हर जगह कैमरे स्पॉट बदल बदल के पिंजरे लगा रहे हैं, बाकी वो आ नहीं पा रहा था, कई जगह बदला। लेकिन इन्होंने बीती 2 दिन पहले तेमरिया गांव के तालाब के किनारे लगाया पिंजरा, जहां पर बीती रात में तेंदुए का एक बच्चा उसमें कैद हो गया, बाकी परिवार भाग गया। जी मैम, बिल्कुल, यानी कि अब इन्हें सुरक्षित जगह पर, जहां इनकी जगह है वहां इनको छोड़ दिया जाएगा। जी जी वाहिद, मैं इसमें बताना चाहूंगा मैम कि जो वन विभाग की जो टीम है, हाँ, उनका उनके एक वन रक्षक है धनसिंह, उनसे हमारी बात हो पाई। इनकी पूरी टीम तो हमको मिल नहीं पाई क्योंकि वो जंगल में निकल गए थे। यहाँ से काफी अंदर घना जंगल है, हाँ, उसमें बताया कि इसको इसका स्वास्थ्य परीक्षण, जो भी ये तेंदुए का बच्चा जो पकड़ा गया इसका स्वास्थ्य परीक्षण करा के सुरक्षित जगह ले जाएंगे। हाँ। और अन्य जो जो बच्चे में एक मादा और एक बच्चा जो बचा हुआ है, हाँ, उसके लिए रेस्क्यू जारी रहेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में अतिथि शिक्षक संघ ने नियमितीकरण की मांगों को लेकर न्याय यात्रा निकाली और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाया। संघ से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे अतिथि शिक्षक 15 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिसके बाद भी उन्हें सबसे कम मानदेय दिया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे और विभागीय परीक्षा भी लेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि विभागीय परीक्षा आयोजित करें और उन्हें नियमित करें। साथ ही मांगे पूरी न होने पर भोपाल में उग्र प्रदर्शन करने की बात भी कही। जी हम लोग अतिथि शिक्षक हैं, विगत 14-15 वर्षों से हम लोग स्कूल में पढ़ा, बहुत ही कम मानदेय पर, मजदूरों को तो ज्यादा मिलता है, हम लोगों को बहुत कम। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हम आप लोगों को परमानेंट करें, मतलब वो थोड़ा कह जाते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि नहीं करेंगे और ना ये कहते हैं कि करेंगे। कम से कम हम लोग शिक्षक आज धूप में, आप ये बताइए, शिक्षक धूप में, तपती धूप में अपने भविष्य के लिए कर रहा है, तो वो शिक्षक इस देश का क्या भविष्य होगा और इस प्रदेश का क्या भविष्य होगा? क्योंकि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और देश निर्माता कहा जाता है। आज शिक्षक को अपने भविष्य के लिए लड़ना पड़ा है, तो वो भविष्य उस देश का और उस प्रदेश का भविष्य कहाँ जा रहा है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। और हम यही विनती करते हैं उनसे, क्योंकि वो हमारे मामा जी हैं और बड़े मामा जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दो, तो फिर ये क्यों बात नहीं मानते? हमारी नई शिक्षा नीति चली है, सबसे पहले कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हटा दिया गया है। जी हां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट का हवाला देते हुए इन कर्मचारियों को हटा दिया गया। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने फिर से बहाली के लिए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भीषण महामारी में मरीजों की देखभाल करने वाले आयुष डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड पॉजिटिव मरीजों की देखभाल की, उन लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक आदेश जारी कर बजट का हवाला देते हुए आज बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक ओर तो मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, दूसरी ओर उन्हें आज नौकरी से हटाने का काम कर रही है। जो लोग 2 साल से अपना घर बार छोड़कर, अपने रोजी रोटी दूसरे रोजगार को छोड़कर समाज की सेवा कर रहे थे, कोविड महामारी में समाज और देश की सेवा में लगे हुए थे, आज उन्हें सरकार ने बेरोजगार कर दिया। आज और इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता शुजालपुर से पिंटू सोनी फोन लाइन पर जुड़े हैं। पिंटू, वाकई विडंबना की बात है, कोविड काल में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, अपनी जान पर खेलकर जिन्होंने जनता की जान बचाने के लिए वहां पर खड़े रहे, एक बोले चाहे वॉरियर जिन्हें कहा जाता है, उनको हटा दिया गया, क्या है पूरा मामला?
बिल्कुल कांति प्रिया, यह बहुत ही एक दर्दनाक मंजर है। जो युवा रोजगार के लिए दर दर भटकते थे, जो सरकार, जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जो बार बार ये दावे करती है कि युवाओं को हम रोजगार देंगे रोजगार देंगे, ऐसे में ऐसे युवा जिन्होंने, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार की चिंता किए बगैर, अपने खुद के स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर, निस्वार्थ भाव से सरकार की और कोविड पेशेंटों की जिस प्रकार से सेवा की है, उसके बाद 2 साल कोरोना काल में उनकी सेवा का उपयोग करने के बाद अब सरकार उनको दरकिनार करके बाहर का रास्ता दिखाने का आदेश जारी कर दिया। इससे उन लोगों के मन में काफी पीड़ा है, बहुत बहुत डर का माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से उनने सेवा की थी उस हिसाब से तो उनको इनाम के रूप में जो भाजपा सरकार ने इनाम दिया है उनको निष्कासित करके, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट का क्या ये बजट उस वक्त नहीं देखा जा रहा था जब ये सारे लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे? 2 साल के उस कठिन दौर में, उस संक्रमण काल में इन लोगों ने मुस्तैदी के साथ काम किया। पिंटू, बिल्कुल गांधी, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ काम किया और तन मन से अपनी सेवा की, 24 घंटे सेवा की। उस समय भी जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा ही इनको मानदेय दिया जाने का हवाला दिया गया था, और अब चूंकि कोरोना काल बीत चुका है, सारी व्यवस्थाएं आम हो चुकी है, सारी जनजीवन सामान्य रूप से व्यतीत हो रहा है, ऐसे में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का इनको दरकिनार करना, इनको निस्तारित करना, वास्तव में कहीं ना कहीं एक सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या उम्मीद लगती है, क्या इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, क्या इन्हें दोबारा सेवाओं पर रखा जाएगा, कितनी उम्मीद है? कांतिप्रिय, जैसा कि वर्तमान परिस्थिति हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को मतलब बढ़ चढ़कर इस चीज का दावा करती है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं काफी मजबूत हम कर रहे हैं, कर्म की जा चुकी है, परंतु देखा जाए कि विभिन्न में बात करें हम शाजापुर जिले की, सुजालपुर की, तो यहाँ वर्तमान में भी 2 अस्पताल काफी से बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टरों की पदस्थ संख्या सिर्फ 7 है। मतलब देखा जाए तो अगर जहाँ पर 29 डॉक्टर होना चाहिए वहाँ सिर्फ 7 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो व्यवस्थित डॉक्टर, जो अच्छे जमे हुए डॉक्टर है, वो भी अब शासकीय सेवा से निवृत्त होना चाहते हैं, वो इस्तीफा देकर अपने निजी क्लिनिकों पर सेवा देना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के जो स्वास्थ्य कर्मी है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर आम आदमी की सेवा किए, ऐसे में सरकार को इन लोगों के बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य कर्मी जो आयुष विभाग से जुड़े हुए, जो लैब टेक्नीशियन है जिन्होंने इन सब कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, उनका मानना ऐसा है कि सरकार को हमारी वास्तविकता को समझते हुए, हमारे अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय करते हुए पुनः हमको बहाल करना चाहिए। अगर सरकार उनकी ये मांगे नहीं मानती है तो 1 या 2 दिन में, संभवतः 2 या 3 दिन में, वह प्रदेश स्तर पर भोपाल के मुख्यमंत्री ग्रह को भी घेराव कर सकते हैं। इस तरह की मंशा स्वास्थ्य कर्मियों ने जाहिर की है, और जहां तक देखा जाए कि सरकार को भी इन लोगों की मांगे मान लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं चरमरा रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों की अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश के अस्पताल को, जो कि मतलब कहा जा सकता है कि वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल की व्यवस्था है ही वेंटिलेटर पे, ऐसे में उनको पुनर्जीवन देने के लिए इन स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली करना चाहिए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू। मुंगावली तहसील के गुनेहरू गांव के निवासी बमोरी सिंह के खेत में बीती रात 2 बजे आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू कर लिया गया है। सिंह आदिवासी के खेत में रात 2 बजे लगी आग, मुंगावल फरीन खान, फैजान खान, नदीम कुरैशी ने मिलकर रेस्क्यू कर इस आग को बुझाया। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और ढोल नगाड़े बजाकर केंद्र सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई दायन, ए सखी सैया तो महंगाई दायन, ए पेट्रोल का ये बढ़ता रोल, डीजल का है बढ़ता रोल, के बढ़ते रोल, पेट्रोल का है बढ़ता रोल, ए सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई। सर देखिए, महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान हो रही है,
गैस के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 5 की चीज 15 की हो चुकी है। टंकी भरवाने की लोगों की हैसियत नहीं रही, तो अब सिगड़ी पे ही बनाएंगे ना, चूल्हा ही काम में आएगा, लकड़ियां बीन बीन के काम चलाना पड़ेगा। यही उम्मीद करते हैं कि भाव को थोड़ा कम करें, महंगाई कम करें। हर व्यक्ति परेशान है आज, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। कौन सुखी है आज बताइए, उनके राज में सब परेशान है। रोटियां बनी, इसका क्या करेंगे अब आप? खाएंगे सर, रोटियां बनाई हैं तो खाएंगे ना। शिवराज को भी भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं, इसलिए सर कि उनकी नींद टूटे, बीजेपी वालों की शिवराज सरकार की नींद टूटे कि आम जनता कितनी परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवोदय के छात्रों से बात करेंगे, जिसका जगह जगह लाइव प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर सम्मानित हो, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। ये 5वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री बच्चों से सीधा संवाद करेंगे, जिसका लाइव प्रसारण झांसी के नवोदय विद्यालय में भी किया जाएगा। मैं अर्चना सिंह, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय झांसी। मैं इस वक्त परीक्षा पे चर्चा, जो कि कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है 1 अप्रैल को, समय है उसका 11 बजे। इस प्रोग्राम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी छात्र छात्राओं से बात करेंगे। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, क्या होता है कि जो परीक्षाएं होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा तनाव का विषय होती हैं, जबकि वो परीक्षाएँ तो लगातार देते हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें बच्चों को ना चाहते हुए एक अनजाना सा भय रहता है और वो नर्वसनेस फील करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, ये उनका पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले वो 4 बार प्रयास कर चुके हैं, ये 5वां मौका है। कोरबा में एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि बुजुर्ग की चीखें सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत वहां आ गए और बुजुर्ग की जान बच गई। बता दें कि घायल फूल सिंह राठिया चाकामार के जंगलों में महुआ बीनने गया था, तभी अचानक एक खूंखार भालू ने उन पर हमला कर दिया। बुजुर्ग के सिर, पैर और हाथ पर चोटें आई हैं। वन विभाग अधिकारी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए थे। कोरिया जिले के केलहारी थाना क्षेत्र में इन दिनों ग्रामीणों को मदद देने के लिए दूरस्थ इलाकों में चलित थाने का आयोजन किया जा रहा है। मुढ़ोवा में भी पुलिस ने कार्यक्रम आयोजित किया। थाना प्रभारी जवाहरलाल गायकवाड़ ने बताया कि पुलिस का चलित थाना कार्यक्रम, जिसमें लोगों को पुलिस की मदद और सुरक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ सीधे मुलाकात की जाएगी, लोगों से बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही ग्रामीणों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने और ऑनलाइन ठगी से बचने के बारे में भी बताया गया। कोरिया जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कोलहारी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कलेक्टर ने निरीक्षण किया और वहां मौजूद मरीजों से हालचाल जाने। इस दौरान अस्पताल में मिली अनियमितताओं को देखते हुए कलेक्टर ने अस्पताल के इंचार्ज को फटकार भी लगाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ग्राम बिछिया टोला पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप ग्राम स्तर की समस्या का समाधान ग्राम स्तर पर करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा समाधान तोहर शिविर का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। उसी के तारतम्य में यहाँ इस ग्राम पंचायत में विजिट किया गया, यहाँ की समस्याएं देखी गई, जिनका समाधान यहाँ पर ही किया सकता है, ग्राम स्तर पर ही किया सकता है, उनका तत्काल समाधान किया जा रहा है। और ऐसी समस्याएं जिनका समाधान ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर किया जाएगा, उनको विधिवत रूप से निराकरण तत्काल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। मशीन के संचालन के लिए बात आई थी, यहाँ पर मशीन पहले से उपलब्ध है, लेकिन उसका फंक्शनलिटी के संदर्भ में यातायात जागरूकता दिवस पर मंदसौर में एक रैली निकाली गई और इस दौरान एनसीसी बच्चों ने रैली में भाग लेकर लोगों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी। शहर के उत्कृष्ट स्कूल से रैली का शुभारंभ CSP PS मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली गांधी चौराहे से होते हुए BPL चौराहे तक पहुंची। बता दें कि बच्चों ने रोड से गुजर रहे वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट सहित शराब पीकर गाड़ी न चलाने के अनुरोध किया। यातायात द्वारा ट्रैफिक थाने से रैली निकाली जा रही है, इसमें यातायात जागरूकता रैली दिवस है, इसमें बच्चों को थोड़ा परिश्रम दिया जा रहा है कि बच्चों को अगर अपने को अगर गाड़ी चलाना है, साइड से चलाना,
किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया तो किसी के कैसे सहायता करना, बच्चों को एक थोड़ा थ्योरी, मतलब थ्योरी का मतलब कि बच्चों थोड़ा नॉलेज हो जाए कि यातायात के नियमों का पालन कैसे किया जाए, उसके संबंध में बच्चों को थोड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वो ये रैली वहाँ से अपने उत्कृष्ट स्कूल क्रमांक 2 से गांधी चौराहे बीपीएल चौराहे से नाटा चौराहे से यातायात थाने में समापन की जाएगी। रीवा शहर के राजनिवास में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले महंत सीताराम दास को सिंगरौली से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर के माध्यम से सिंगरौली पुलिस को जानकारी मिली कि बाबा इस सैलून में बाल कटवाने जा रहा था। बता दें कि रीवा का साइबर टीम ने दावा किया था कि महंत सीताराम दास रीवा से बस में सवार होकर सिंगरौली पहुंच रहा है। इसी बीच मोरवा SDOP राजीव पाठक और TI विंध्यनगर UP सिंह की टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। मनावर में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी की। ये छापेमारी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक राजाराम शिंदे के निवास पर की गई, जिसमें पुलिस को मौके से 4 लाख रुपए की नकदी और कई मकानों के कागज जब्त किए हैं। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने 2 जगहों पर कार्रवाई की है। कुक्षी में भी विभाग ने कार्रवाई कर कई सारे दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। मैं आनंद यादव पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर के पद पर पदस्थ हूँ। राजा राम शिंदे नामक बैंक मैनेजर जो कि नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की निसरपुर शाखा में पदस्थ हैं, उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की जांच के दौरान काफ़ी पुख्ता प्रमाण मिले थे। उस पर आज कुल 4 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 स्थानों पर कुक्षी में, 1 स्थान पर मनावर में और एक अन्य स्थान पर भी मनावर में, इस तरह से 2 स्थान पर मनावर में और एक जो है लोकायुक्त इंदौर द्वारा आज आय से अधिक संपत्ति मामले में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में पदस्थ प्रबंधक हैं मनावर शाखा में राजा राम शिंदे, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी मामले में आज कार्रवाई की गई है, जिसमें इनके निवास कुक्षी में जो है इसमें और मनावर स्थित राधा रमन कॉलोनी में एक आवास है इनका, उस पर 2 टीमों ने सर्च की कार्रवाई की है। प्रारंभिक सर्च के दौरान इनके जो निजी निवास है इसमें 2,66,000 रुपए के आसपास नगद। इंदौर में भी इन दिनों महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला शिवशक्ति नगर से आया है, जहां 23 साल के युवक ने पीड़िता को डरा धमकाकर शादी कर ली। लगातार युवती की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए और उसके साथ मारपीट भी की। घायल अवस्था में पीड़ित युवती ने अपने परिजनों के साथ विजयनगर थाने पहुंचकर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पीड़िता ने रिपोर्ट किया है कि जब उसने उसके साथ में किसी युवक द्वारा शादी कर ली गई और उसके बाद में धमका के शादी की गई और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए। जब उसकी वो अपने परिवार में आकर उसने पूरी जानकारी दी, फिर परिवार के साथ आई थी रिपोर्ट करने, रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया गया है, आगे की विवेचना की जाएगी। और इन खबरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।